ऑडियंस, यू आर वॉचिंग एच पी टीवी युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो सेलिब्रिटी, जहां हम आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है हर्ष नागर। हर्ष, आपकी ये फर्स्ट मूवी है, तो आपने क्या सोचा कि आपको इस मूवी में क्यों काम करना चाहिए एज योर डेब्यू मूवी? राइट, जैसे कि आपके यू नो चैनल का नाम है एच पी टीवी युवा, तो आई थिंक आजकल ये सबको पता है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन यूथ है, और उसमें से भी जो सिनेमा घरों में जाते हैं आई थिंक वो 80% यूथ हैं, क्योंकि शायद ज़िंदगी की जद्दोजहद में लोग जो हैं जब 30 के पार होते हैं तो शायद फिल्में देखने का उनको मौका नहीं मिलता। बात यह है कि इसमें ज़बरदस्त यूथ कनेक्ट है। आई थिंक जितने भी लोग हैं वो एक चीज़ से एग्री करेंगे कि हर किसी का कोई दोस्त है, हर किसी को एक यू नो मोमेंट याद है, कुछ यादें हैं एक दोस्त के साथ, और इस फिल्म में वही है। इस फिल्म में सिर्फ असली दोस्ती है, तीन दोस्तों की कहानी है 13 साल से लेकर 30 साल तक। तो इसमें यू नो आपकी स्कूल की मस्ती है, कॉलेज की शैतानियाँ हैं, उसके बाद जो नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ में होता है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी लड़की मिल जाए, तो ये तो अभी वही करते हैं, पर इनकी कॉमेडी ऐसी है कि करने तो ये सब कुछ सही जाते हैं पर गलत हो जाता है इनसे, तो वो कॉमेडी है। एंड मैंने ये फिल्म इसलिए भी चुनी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही कमाल की है, फ़नी है। डेविड धवन के राइटर्स हैं जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, तो आई थिंक मैं भी शायद यूथ ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ के कि अगर इस स्टोरी को यूथ जो है वो देखना चाहेगा, पसंद करेगा, और इसको देखने के बाद एक ज़रूर अपने कुछ किस्से याद करेगा, तो स्कूल के या कॉलेज के, और अगर शायद आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अभी नहीं हैं तो शायद आप अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप ज़रूर उनको निकल के फ़ोन करेंगे इस फीलिंग के लिए। अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए इस मूवी में जो आप प्ले कर रहे हैं। जी, मेरा कैरेक्टर जो है, क्योंकि ये तीन दोस्तों की कहानी है और तीनों का अलग नेचर है जैसा कि रियल लाइफ में होता है, मेरा कैरेक्टर हैरी का है इस फिल्म में, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे हाइपर दोस्त हूँ। मैं सबसे ज़्यादा सोचता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा टेंशन लेता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो है कि बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं। जैसे हमारी फिल्म में एजाज खान है, तो अगर वो ब्लैक हैं तो मैं वाइट हूँ। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे हीरा फेरी में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का 36 का आंकड़ा था, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है मेरे कैरेक्टर के बारे में, तो रियली हाइपर। मूवी में तो आप काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपने रियल के आगे मतलब आपने कितनी मस्ती करी है इस बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। एक्चुअली मुझे शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मस्ती इस फिल्म की शूटिंग होते हुए ही की है, क्योंकि मैं जो हूँ वो एज अ पर्सन इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ लोगों के सामने, पर इस फिल्म में मुझे वो मौका मिला कि क्योंकि इसमें ऐसे सीन्स थे, ऐसी सिचुएशंस थी दोस्तों के बीच में कि यू नो जैसे आप अपने दोस्तों को जूते से भी मार रहे हैं और फिर उनके साथ यू नो घूमने भी जा रहे हैं, तो बहुत मस्ती की है। आई थिंक प्रोमो से ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिल्म में तीनों के बीच में बहुत मस्ती है, और ऐसी फिल्मों में केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप देखें कि जय और वीरू की केमिस्ट्री आज भी लोग याद करते हैं, और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, तो धर्मेंद्र जी ने ही अमिताभ बच्चन का रिकमेंडेशन दिया था रमेश सिप्पी को, तो आप सोच सकते हैं कि बीच में कोई खटाश नहीं था, कि क्या कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था, तो वो जो केमिस्ट्री है इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसा लगा है कि हम तीनों सच में दोस्त हैं और हमें यू नो हमारा काम है जाके मस्ती करना, तो मुझे ये फिल्म हमेशा याद रहेगी इसकी मस्ती के लिए। एक ऐसा रिमेमरेबल इंसिडेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते? एक्चुअली बहुत सारे हैं, अभी टी वी पर मैं कौन सा बताऊँ। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ, अभी हम सूरत गए थे प्रमोशंस के लिए, तो मैं, एजाज और साहिल आनंद गाड़ी में बैठे थे, तो साहिल को पानी पीना था, तो हमने कहा कि क्योंकि हम हमारी गाड़ी में ड्राइवर और हम तीन लोग ही थे, स्टाफ नहीं था कोई, तो हमने कहा यार ले आ तू, हम गाड़ी रोकते हैं, और रात का समय था थोड़ा 10 बजे का, और बॉम्बे सूरत हाईवे पर हमने उनको छोड़ के गाड़ी करीब आधा किलोमीटर आगे भगा ली, तो उनको आधे किलोमीटर रात को चल के आना पड़ा गाड़ी तक, तो ऐसी नोकझोंक मस्तियाँ बहुत सारी हैं। आई थिंक हमारा हर लंच ब्रेक मस्ती से भरा था, इवनिंग भी जब रैप अप होता है तो उसके कई किस्से हैं, लोगों की टांग खींचना बेसिकली साथ मिलके प्लान करके। इस मूवी में आपके साथ दो स्टार्स और काम कर रहे हैं, आपकी सबसे ज़्यादा किसके साथ बनती थी?
आई थिंक स्टोरी के हिसाब से ऐसा है कि मैं और साहिल जो हैं वो पहले से बचपन के दोस्त हैं, और फिर एजाज आके तिकड़ी बनाते हैं। तो उस चीज़ कैरेक्टर में भी और लाइफ में भी ऐसे ही हो गया। तो मैं और साहिल ज़्यादा अच्छा दोस्त हैं। एजाज जो हैं वो क्योंकि बाद में आते हैं और उनका कैरेक्टर हमसे थोड़ा सा अलग है। ऐसा है कि हम शरीफ हैं, वो हमें बिगाड़ते हैं, तो इसलिए साहिल उनसे ज़्यादा क्लोजनेस है। फ्रेंडशिप बेस्ड कॉमेडी बहुत आ चुकी है, आपकी मूवी में क्या नया है? आई थिंक फ्रेंडशिप बेस्ड कॉमेडीज़ तो बहुत आ चुकी हैं, बट एक जो 17 साल की दोस्ती है और असली दोस्ती है, वो शायद अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। हमारी फिल्म शुरू होती है स्कूल से, जहाँ ये तीनों मिलते हैं और इनकी शैतानियाँ शुरू होती हैं 13 साल की उम्र में, और फिर हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढने जाते हैं, कई बार उसमें फ़ेल करते हैं। एक अच्छी लड़की ढूंढने जाते हैं, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी की शादी होती है, नहीं होती है, वो सब कॉमेडी है। बट आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस फिल्म में कोई और भी किसी और चीज़ के साथ मिक्स नहीं किया गया है। इस फिल्म में सिर्फ दोस्ती को ही थीम रखा गया है। इसमें कोई कमर्शलिज्म, कोई रोमांस मिक्स करना या साइड में थोड़ा एक्शन डाल देना, वो सब नहीं है। तो वो इसकी खासियत है। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी मूवी कब रिलीज़ हो रही है? तो 14th of October, जैसे मैंने इन लोगों को भी बोला कि अभी धोनी आएगी, और आप जयपुर के हैं तो सुशांत सिंह भी जयपुर के हैं, तो शायद आप उसको एक बार देखें या दो बार भी देखें, पर 2 के बाद जो तीसरा फ्राइडे है 14th of October, ये फिल्म तब रिलीज़ होगी, दिवाली के थोड़ा टाइम पहले। तो आप प्री दिवाली मस्ती कर सकते हैं, पोस्ट दशहरा एंड प्री दिवाली।